जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी इन हाल के दिनों में इस कंपनी में एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ भागते जा रहा है, और हालांकि ऊपर भागने के बाद अब थोड़ा सा इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ आने लगा है। तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराए हुए हैं, और खासकर वो लोग जो हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसका प्राइस जब नीचे आ रहा है तो डरे हुए हैं। तो इस वीडियो में उस मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि अभी इसमें करना क्या है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक तरह शुरू से करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओरिएंट ग्रीन जो पावर कंपनी है, यदि हम इसके काम की बात करें तो ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। पावर सेक्टर कहने का मतलब जो इन दिनों रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कामकाज करने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का ही बोलबाला है। आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन या थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स नहीं है, क्योंकि वो एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, एक ऐसा स्रोत होता है बिजली का जिस जो दोबारा बनाया जा सकता है। इसलिए इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का डिमांड अभी भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी के जो इस तरह के जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस में हमेशा तेजी रहेगी। वैसे तो कहने को ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में आती है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक का पी भी काफ़ी शानदार है, सिर्फ 50 के आसपास है। हालांकि देखिए, छोटी कंपनी को पी महंगा होते ही है, और 50 का पी कोई सस्ता नहीं है। पी 20 के करीब रहे तो अच्छा माना जाता है, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो ठीक ठाक है, यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ शेयर प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसके लिए हमें टेक्निकल को भी समझना होगा। उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, कंपनी के जो शेयर प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो आरओई है और जो सी है ये माइनस में नहीं है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर देगी। आरओई का यही मतलब होता है। ओवरऑल फंडामेंटल भी बढ़िया है, और कंपनी जो काम करती है उस काम के बिहाफ पे कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं और करना पड़ेगा ही। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। यहाँ पर देखेंगे अभी एक साल का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, और एक साल का चार्ट पर इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है 12 रुपये का लेवल, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ तकरीबन अगस्त मंथ में, और ब्रेक होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस फिर 12 रुपये से लेकर 14 रुपये के बीच कंसोलिडेशन रेंज में आ गया, और इस रेंज में आके कंसोलिडेट करने लगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जब किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जब भी मतलब बाहर निकलता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि ब्रेकआउट होगा, न कि ब्रेकडाउन होगा। इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट हुआ, और देखिए कितना लंबा ब्रेकआउट हुआ, 12 रुपये से सीधे 22 रुपये तक इस कंपनी का शेयर प्राइस गया। और चूंकि जब ब्रेकआउट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, यही प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस हल्का आपको डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एम पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। और जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ होता है। लेकिन जब एम पैटर्न बनता है तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर देखेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं सपोर्ट बन के, ये जो नीचे से इसके लिए सपोर्ट है जहाँ पर दो बार मतलब ये ठहरा हुआ है, उसको ब्रेक करके तीसरी बार प्राइस नीचे आता है। इसलिए यहाँ पे चिंता की बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बन रहा है। अब इस पर ये जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है अभी तो 22 रुपये के आसपास है, यहाँ से ब्रेक करके नीचे आएगा 20 रुपये तक भी आगे नहीं ठहरा तो फिर और नीचे आ सकता है। इसलिए अभी आप करना क्या है, जो देखिए जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके लिए अच्छा ये होगा कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पे, और थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए 10 क्वांटिटी यदि आप खरीदे तो 5 क्वांटिटी अभी भी आप प्रॉफिट में 5 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और 5 क्वांटिटी के 20 रुपये के भी नीचे शेयर प्राइस आता है तो बेच के निकल जाएगा अभी फिलहाल के मैं बता रहा हूँ। और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो सिर्फ हाफ ही क्वांटिटी बेचिए, हाफ क्वांटिटी भी जमा कर करके, और इनका पहले से इन्वेस्टमेंट है और हैवी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए भी यही सलाह रहेगा कभी भी आप हाफ क्वांटिटी इसमें से जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहना काफ़ी जरूरी है। आप भले ही लंबी अवधि के निवेशक हैं लेकिन जहाँ मौका मिले वहाँ प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए, ये मेरा मानना है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चार्ट क्या बोलता है, हमें क्या करना है, ये बातें मैंने आपको बता दी। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट से पता लगता है कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए क्वार्टर रिजल्ट पर जो हम देखते हैं तो जो कंपनी का सेल्स है, देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सेल्स लगातार बढ़ने की वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वह भी बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। और फंडामेंटल मजबूत हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब काम के व्यापार पे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी, फंडामेंटल उसमें अहम रोल निभाएगा, और ये जब सबका कॉम्बिनेशन होगा तो शेयर प्राइस जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ ही जाएगा,
क्योंकि कंपनी का काम ही ऐसा है कि इसके सेक्टर में इस कंपनी के शेयर प्राइस में डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और जिस कंपनियों का डिमांड हमेशा रहेगा उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। तो ओरियंट ग्रीन पावर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।